नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेम्फर सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हेम्फर सिरप को कैसे लेना चाहिए और हेम्फर सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हेम्फर सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेम्फर सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। हेम्फर सिरप का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हेम्फर सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा हेम्फर सिरप के अंदर बायोटिन व जिंक भी मौजूद होता है, जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, उठते या बैठते समय चक्कर आना, त्वचा और आंखों में पीलापन, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर हेम्फर सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेम्फर सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। हेम्फर सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। हेम्फर सिरप को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर हेम्फर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन हेम्फर सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हेम्फर सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना हेम्फर सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेम्फर सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हेम्फर सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में हेम्फर सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हेम्फर सिरप की वजह से कुछ लोगों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में हेम्फर सिरप की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेम्फर सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेम्फर सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। हेम्फर सिरप को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेम्फर सिरप को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से हेम्फर सिरप का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से हेम्फर सिरप की प्रभावशीलता कम हो सकती है। कुछ डॉक्टर हेम्फर सिरप के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से हेम्फर सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं हेम्फर सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए हेम्फर सिरप का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं हेम्फर सिरप को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हेम्फर सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।